Current lecture D, lecture number 3. I just revised what I have done in lecture number 2. हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. जितना लंबा लेंथ रहेगा उतना ज्यादा कोलिजन होगा. एंड इफ द ग्रेटर इज द कोलिजन, ग्रेटर विल बी द ऑब्स्ट्रक्शन, ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस. सेकेंड कंसेप्ट हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया. जितना मोटा वायर रहेगा उतना रेजिस्टेंस कम रहेगा, उतना करंट ज्यादा रहेगा. सो इफ आई जॉइन बोथ ऑफ देम, आई कैन से आर इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. सो आर विल बिकम इक्वल टू रो एल बाई ए. वह रो का नाम क्या था याद है? रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. यस. सो हमने क्या किया, हमने एक वायर लिया जिसको हमने लिया लेंथ 1 meter. And cross sectional area was what? 1 meter square. So iska resistance kya kehlayega? Resistivity. So I can say resistivity is the resistance of a conductor of unit length and unit cross sectional area. Ye humne last time padha hai, yaad hai na? What is the unit of rho? ओम मीटर. सो रो अगर हम एक साइड पे ले लेंगे विल बिकम आर ए बाय एल. आर का यूनिट होता है रो, एरिया इज मीटर स्क्वायर बाय मीटर. सो आंसर विल बिकम ओम मीटर ना, बराबर है ना? ये सब हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था, इसका डिस्कशन क्लियर. लेक्चर नंबर 3 I will discuss today the whole concept of resistance, dependence on temperature. कौन सा फैक्टर है बेटा? टेम्परेचर. क्या रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड होता है कि नहीं होता है, वो हमको देखना है. क्या रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड होता है? हाँ होता है. क्या रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड होता है? यस. ओके. क्या रेजिस्टेंस मटेरियल पर डिपेंड होता है? हाँ होता है, बिकॉज रो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल. हमको देखना है क्या टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता. सो आई प्लॉट. अब ये चैप्टर हम लोग क्लोज करते हैं, ये वाला. वी कैन स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, रेजिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर. मैं ग्राफ बनाऊंगा, हम उसको पहचानेंगे क्या हो रहा है. सो इफ आई से देयर इज अ ग्राफ ऑफ आर इन ओम्स वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. ओके. कोई बता सकता है ये कितना डिग्री सेल्सियस है? 0 डिग्री सेल्सियस. पर कैन आई से रेजिस्टेंस इज सम आर नॉट? एक कंडक्टर हमने लिया, 0 पर 0 नहीं होगा. ओके. अदरवाइज इट विल बिकम अ सुपर कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस. सुपर. ओके. सुपर कंडक्टर राइट नाउ, सुपर कंडक्टिविटी हैपेंस इन द नेगेटिव रीजन. 0 डिग्री सेल्सियस पर लेट द रेजिस्टेंस बी आर नॉट. हमको पता है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोलिशंस बढ़ेंगे, कोलिशंस बढ़ेंगे. तो कोलिशंस कॉरेस्पॉन्ड टू व्हाट बेटा? रेजिस्टेंस. सो कैन आई से इफ कोलिशंस विल इंक्रीज रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज? पहले कितना रेजिस्टेंस था? 0 डिग्री सेल्सियस पर, आर नॉट. अब जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू करेगा. इन दिस केस आई कैन से एट सम टी डिग्री सेल्सियस resistance is going to become RT. कितना हो जाएगा बेटा? RT. और ये कितना डिग्री सेल्सियस होगा? T डिग्री सेल्सियस. Who is more? Can anyone tell me RT is more or R0 is more?
RT is more than R naught. R naught कितने degree Celsius पर है? Zero. RT कितने degree Celsius पर है? T. And obviously we know that RT is greater than R naught. मतलब जैसे temperature बढ़ गया, collisions बढ़ गए, obstruction बढ़ गया, resistance भी बढ़ गया. Okay, getting it? What's happening? अब इसका हमने formula बनाते हैं so that you can understand what's happening. Can I say change in resistance is proportional to original resistance? Beta, can anyone tell me what is change in resistance? RT minus R0. Very good. Change in resistance is proportional to original resistance. What are the original resistance? R naught. Sir, ये कहाँ से आया? ये कैसे आया? क्यों आया? हम आपको सिखाते हैं. Nature का law है. Change is always proportional to original. What? Suppose हमने business में, मैंने share market में 1 lakh rupees लगाया. कितना invest किया? 1 lakh rupees. Can I expect a profit of 10,000 rupees? ठीक है, मिल भी सकता है, नुकसान भी हो सकता है, मिल भी सकता है. 1 lakh इन्वेस्ट किया, कितना मिलेगा मुझे? 10,000. But can I expect a profit of 1 crore rupees? Why? अरे सर, you have invested only 1 lakh. How can you expect a profit of so much? Because if the original is small, the change has to be small. The profit and loss has to be small. Getting it? What's happening? If the original is big, the change will also be big. Understand? Agar main 10 crore rupees lagata to to samajh mein aata hai ki I could have got a profit of suppose 50-60 lakhs. Okay, but aapne 1 lakh rupees lagaya. उसमें आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रॉफिट आपको 1 crore rupees मिले? नहीं मिल सकता. बिकॉज इफ द ओरिजिनल इज स्मॉल द प्रॉफिट और लॉस विल बी स्मॉल, बट इफ द ओरिजिनल इज बिग द प्रॉफिट एंड लॉस विल बिकम बिग. दिस इज लॉ ऑफ नेचर ओनली वन. गेटिंग इट? सो वैसे ही चेंज इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल. अगर ओरिजिनल छोटा है तो चेंज भी छोटा होगा. अगर ओरिजिनल बड़ा है तो चेंज भी बड़ा होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैन आई मेक अनदर थिंग? कैन आई से चेंज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर? बोलो भाई. जितना ज्यादा मैं हीट करूंगा उतना ज्यादा थर्मल एनर्जी आएगा, उतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, उतना ज्यादा कोलिशन आएगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा. So can I say what is the change in resistance ka formula? Come on. RT minus R naught. And can anyone tell me what is the change in temperature? T only, na? T degree Celsius. Kya barabar hai? Main aage badhu. Change in resistance is proportional to original resistance as well as change in resistance is proportional to change in temperature. Original resistance change. जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना ज्यादा हीट बढ़ाएगी, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा. इफ आई क्लब बोथ ऑफ देम, कैन आई से आरटी माइनस आर नॉट विल बी इक्वल टू आर नॉट टी, प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टी? बोलो. आरटी माइनस आर नॉट, आरटी माइनस आर नॉट इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टी. इफ आई रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन, बेटा क्या होगा? एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा. लेट RT minus R naught will become equal to alpha. ये constant है R naught T. Now ध्यान दीजिए बेटा इधर please. What is RT? Called as resistance at how many degree Celsius? T. R naught? Zero. Resistance at 0 degree Celsius. R naught? Resistance at 0 degree Celsius. T. Rise in temperature. कितना rise हुआ temperature? T ना? क्या अल्फा हम एक जगह पर ले सकते हैं? अल्फा क्या हो जाएगा? कमान, अल्फा विल बिकम आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इनटू टी. बोलो.
अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. क्या कहते हैं बेटा इसको? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? पहले सुनना, बाद में समझाऊंगा. Temperature coefficient of resistance alpha is defined as the ratio of change in resistance per unit original resistance per degree rise in temperature. फिर से बताइए, what is alpha defined as? The ratio of change in resistance per unit original resistance per degree rise in temperature. Again बोलिए, what is alpha defined as? The ratio of change in resistance per unit original resistance per degree rise in temperature. Sorry, I have to write number again. Okay, I am giving you some example of what is important. I'll try to explain what is there. Okay, just pay attention. Suppose main aapse kahu ki alpha is 0.01 per degree Celsius. कोई बात सुनो, अभी इधर अभी ये समझाता हूँ. व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा? भाई ओम और ओम तो कट जाएगा ना. इसका आर का यूनिट क्या होता है? ओम. इसका आर का यूनिट क्या होता है? ओम. टी का यूनिट क्या रहेगा? पर डिग्री सेल्सियस. तो ओम एंड ओम कट गया, पर डिग्री सेल्सियस होगा. कैन एनीवन टेल मी अल्फा 0.01 पर डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हर डिग्री, एक एक डिग्री जब मैं बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा बाय दिस अमाउंट. I'll give you example. Suppose R naught 1 ohm था. कितना था? 1 ohm. And how many R naught and how many degree Celsius पर? 0. अगर मैं 1 degree Celsius पर रखूं, बढ़ाओ, तो कितना हो जाएगा ये? It will become 1.01 ohm. अगर मैं 2 degree Celsius पर रखूं, तो कितना हो गया भाई? 1.02. कैन आई से हर एक डिग्री सेल्सियस पर कितना बढ़ रहा है भाई? 0.01. दिस इज द मीनिंग ऑफ अल्फा, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. कैन आई से हर मटेरियल का अल्फा इज डिफरेंट. कुछ बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, कुछ बढ़ेंगे ही नहीं. जिनका अल्फा बहुत कम होगा, दे विल नॉट राइज सो इजीली. देयर व्हाट विल नॉट राइज सो इजीली? रेजिस्टेंस. जिनका अल्फा बहुत कम होगा वो टेम्परेचर बढ़ाने से भी राइज नहीं करेंगे. दे आर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस, जो अपना वैल्यू टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं करते. एंड कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो बहुत जल्दी बढ़ जाता है. मींस जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, दे विल चेंज कंसिडरेबली. अल्फा कैन बिकम पॉजिटिव ऑल्सो एज वेल एज नेगेटिव ऑल्सो. मतलब अल्फा पॉजिटिव मींस व्हाट? इफ अल्फा इज पॉजिटिव, इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. अल्फा पॉजिटिव का मतलब होता है जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. दिख रहा है कि नहीं? अल्फा नेगेटिव का मतलब होगा, इसको कहते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. क्या कहेंगे आप? जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस विल बिकम लेस. इट्स कॉल्ड एज एनटीसी. मतलब यहां पर सपोज अल्फा, इफ आई राइट दिस अल्फा, इफ आई राइट दिस माइनस 0.01 पर डिग्री सेल्सियस, तो आप बताइए तो 1 है, 1 डिग्री सेल्सियस पर ये कितना हो जाएगा? 0.99 ohms. 0.01 माइनस करना है ना इसमें से, फिर ये करेंगे तो क्या होगा? कोई बता सकता है क्या होगा? 0.98. हर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता जा रहा है. इसको कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. बेटा क्या कहते हैं इसको? नेगेटिव टेम्परेचर. नॉर्मली एक कंडक्टर्स में नहीं होता है. गुड कंडक्टर्स में क्या होता है? अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव. मैं आपको एक अलग चीज बताऊंगा. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अल्फा?
What is the definition of alpha? Abhi bataiye. It is defined as the ratio of change in resistance per unit original resistance per degree rise in temperature. Formula yaad karne se kuch nahi hota hai, aapko matlab aana chahiye. If I say alpha is 0.02, matlab kya? मतलब हर एक डिग्री बढ़ाने पर कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा हर एक डिग्री 0.02. इफ आई टेल यू अल्फा इज -0.1, हर एक डिग्री बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का वैल्यू घट जाएगा बाय हाउ मच 0.01. ओके एंड इफ आई टेल यू अल्फा इज 0, रेजिस्टेंस रिमेंस कांस्टेंट, कैन आई से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर? Yes. आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा. समझ में आ रहा है बात? ये इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में. अभी हम थोड़ा और आगे बात करते हैं, ठीक है? वी टॉक अबाउट इट मोर. मैं आपको तीन ग्राफ्स देता हूं, आप पहचानो क्या हो रहा है, ठीक है? एक ग्राफ तो हमने बना दिया. नाउ आई गिव यू थ्री ग्राफ्स बाय विच यू टेल मी व्हाट इज हैपनिंग. सबसे पहला ग्राफ ये है, आर वर्सेस टी ऑन लिया. आर इज इन ओम्स, टी इज इन व्हाट बेटा? डिग्री सेल्सियस. बात सुनो, सबसे पहला ग्राफ ऐसे है, दूसरा ग्राफ ऐसे है, थर्ड ग्राफ ऐसे है. आप बताइए किसका अल्फा सा अल्फा जो है वो पीटीसी है, किसका अल्फा एनटीसी है और किसका अल्फा नेग्लिजिबल है? फर्स्ट केस पीटीसी. व्हाई डिड यू से सो? बिकॉज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस. कोई बता सकता है ये किस में होता है? कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स? गुड कंडक्टर्स. दिस हैपेंस इन गुड कंडक्टर्स और वी कैन से इट हैपेंस इन कंडक्टर्स. जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कोलिजन्स बढ़ेंगे, कोलिजन्स बढ़ेंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस घट जाएगा. कंडक्टेंस मीन्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट घट गया ना बेटा, ओम्स लॉ पता है ना, आई एस वी बाय आर. तो ये होगा कंडक्टर एंड दिस रेजिस्टेंस इज आर नॉट एट हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस? जीरो. और अगर T पर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस विल बिकम RT एंड इसका अल्फा विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. क्योंकि अल्फा हर एक डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है एंड कंसिडरेबली बढ़ रहा है. आप देख रहे हो स्लोप चेंज हो रहा है. वेन एवर यू लुक एट द ग्राफ यू लुक एट द स्लोप. देखो स्लोप पहले कम था फिर बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है फिर स्लोप और बढ़ रहा है, तो कंसिडरेबल चेंज हो रहा है. Getting it, what's happening? अच्छा यहां पर क्या हो रहा है? Negligible change. क्योंकि जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, देखो रेजिस्टेंस को ज्यादा बढ़ा नहीं है, बढ़ा है थोड़ा सी बट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है. इसकी तरह दीज आर यूज जनरली इन अलॉयज और आई कैन से दे आर यूज इन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस. मैंगनीन है, नाइक्रोम है, उनका अल्फा जो होता है दे आर नेग्लिजिबल और आई कैन से वेरी स्मॉल. क्यों वेरी स्मॉल? भाई कहां पर यूज करना है? स्टैंडर्ड लैब्स में, हमारे घरों में. पर टेम्परेचर चेंज हो गया घर में, गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा,
So either the device will become off or it will fuse. भाई दिन रात हमारे घरों में करंट फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे. ऐसे होता है क्या? नहीं होता. दैट मीन द रेजिस्टेंसेस व्हिच आई यूज, दे आर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस. ये यूज नहीं कर सकता मैं. क्यों? जैसे गर्मी बढ़ी वैसे रेजिस्टेंस बढ़ गया, वैसे करंट घट गया, डिवाइस बंद हो जाएगा. ये कहेगा गर्मी कम हो जाएगी तभी मैं शुरू हो जाऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है. We are using standard resin, the alloys which is manganese, nichrome, ऐसे use करना है. करेंगे? समझ में आ रही है बात? अच्छा ये क्या है? NTC. Sulfur is NTC, very good. अब क्या कहते हैं? NTC का मतलब क्या होता है? Means जैसे temperature बढ़ेगा वैसे resistance घट जाएगा. जैसे temperature बढ़ा resistance कम हो जाएगा. रेजिस्टेंस कम हो जाएगा इनडायरेक्टली कहना इसे कंडक्टेंस बढ़ जाएगा. रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ गया ना. करंट बढ़ गया सो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दिस हैपेंस इन केस ऑफ व्हाट यू नो, सेमीकंडक्टर्स. द ग्राफ जनरली ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑफ आर वर्सेस टी क्या होता है? देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ. सेमीकंडक्टर्स एक पूरा चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में. अभी फिलहाल आपको ज्यादा सिर्फ ये ग्राफ हम लोग देख लेते हैं. क्या होता है? जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अच्छा इसमें पता है हमको, इसमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. ये कौन है? कंडक्टर है ना. कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ 10^22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब. फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हमने. बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत है, उनको सिर्फ फ्लो करवाना है. एंड फ्लो करवाने का काम कौन लेता है? बैटरी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑल दैट कंसेप्ट ना. इधर सेमीकंडक्टर्स, कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर? जर्मेनियम सिलिकॉन. अरे भाई सेमीकंडक्टर के एग्जांपल कौन है? जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. कौन से इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि इलेक्ट्रॉन नहीं होते? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट फ्री नहीं होते. द बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जिनको न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा. भाई कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते थे कि ये न्यूक्लियस है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो बाउंडेड होते हैं. यहां की ऊपर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मगर यहां पर फ्री नहीं है. इसको हमने थर्मल एनर्जी दिया. कौन सी एनर्जी दिया? थर्मल. यहां से हमने हीट जेनरेट किया. गर्मी का मौसम आ गया, हमने ऐसे हीट दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगा. They will excite. Word is excite in technical language. You are not using technical at this level. एक महीने में कहा technical language use करूं? Understand the basic concept. तो ये जो चीज है ये energy पाकर ऊपर चढ़ जाएगी. हम जा रहे हैं तो यहां पर they come in this band and they are now called as which electrons बेटा? Free electrons. I know, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे वैसे करंट का फ्लो बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस अपने आप घट जाएगा. दिस इज व्हाट हैपेंस इन व्हाट? सेमीकंडक्टर्स. बट ये तब तक ही होगा जब तक हमने एनर्जी दिया. जैसे एनर्जी बंद किया सब जम करिए ऊपर से नीचे सीधा. तो जब हम कमांड सप्लाई करेंगे तो ही इट विल एक्ट एज अ गुड कंडक्टर. जब हमने कमांड नहीं दिया तो वापस आ जाएगी और फिर दे विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक एन इंसुलेटर. लाइक इन योर कंप्यूटर देयर आर चिप्स ना, इंटीग्रेटेड चिप्स, ब्लैक कलर, याद है मदरबोर्ड के ऊपर होता है भाई. दे आर व्हाट? जर्मेनियम सिलिकॉन चिप्स. प्रिंट आउट का कमांड देंगे तो ही प्रिंट आउट निकलेगा ना, ऐसे ही अपने आप शुरू हो जाता है. नहीं भाई, मैंने एंटर दबाया, प्रिंट निकालना है मुझे. तो एंटर जब मैंने प्रेस किया तो दैट कमांड विल गो टू दैट सेमीकंडक्टर. दैट चिप विल गेट एक्साइटेड. तो दैट इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल. द कंडक्टिविटी विल इंक्रीज एंड दैट करंट विल पास एंड दैट विल गो टू द प्रिंटर इंडिकेटिंग प्रिंट आउट बाहर निकालो. भाई सेकेंड प्रिंट आउट निकालना है तो क्या करना है? फिर से कमांड देना है, वरना क्या होगा?
वरना उसको जितना एनर्जी दिया वो तो यूटिलाइज हो गया, वापस से अपनी जगह पर आ गया. सो वापस से अपनी जगह पर आ गया मींस इट इज एक्टिंग लाइक व्हाट, इट इज एक्टिंग लाइक अ बैड कंडक्टर. ओनली हियर इट विल एक्ट लाइक अ गुड कंडक्टर, बट हमेशा एनर्जी देना पड़ेगा. तो गुड नाइट इज एक्टिंग इन माई कमांड. ऐसे नहीं होगा कि शुरू किया सब शुरू हो गया, स्कैनर भी शुरू हो गया, प्रिंटर भी शुरू हो गया, सब नॉट हैपनिंग दैट वे. In my command, if I want to change the temperature, I will change the temperature. Okay? Understand? That is all happening. That is all technology due to semiconductors. अब यहाँ पर जो energy हम supply करते हैं, वो अलग form में करते हैं. यहाँ पर हमने कौन सा energy दिया? Thermal. वहाँ पर हम electrical energy देते हैं ना उसको. क्या फर्क पड़ता है? Energy तो energy होता है भाई. अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पर हमने एनर्जी दिया. अच्छा लाइट कैसे बनती है? लाइट, ये जो हमारी लाइट है, लाइट हाउ इज द लाइट बीइंग मेड, सेम कंसेप्ट. सुनिए क्या होता है, थोड़ा सी एक्स्ट्रा नॉलेज. व्हेन आई स्विच ऑन द बल्ब, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, मैंने स्विच ऑन किया तो मैंने बटन दबाया, कौन सा एनर्जी जा रहा है बल्ब में? अरे कौन सा एनर्जी जा रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दैट एनर्जी इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल गो फ्रॉम लोअर लेवल टू विच लेवल? हाई लेवल. अच्छा हाई लेवल पे ज्यादा रहते नहीं है उन लोग. विद इन 10^-8 seconds दे विल जंप बैक. ये जो है ना, इधर मैंने कौन सा एनर्जी दिया? इलेक्ट्रिकल. अरे भाई लाइट जेनरेट करना है, कौन सा एनर्जी दिया? इलेक्ट्रिकल. इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर चढ़ जाएंगे. विद इन 10^-8 seconds इट विल जंप बैक. जो भी अपना जगह है उन पर जंप करेंगे. एंड आपने केमिस्ट्री में बोर्स थर्ड पोस्टुलेट पढ़ा रहेगा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम अ लेवल, हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, इट विल गिव आउट एनर्जी. And that energy is what, beta? समझ आ रही है बात? ये पूरा कहानी है उसका. वो तो एक statement था ना, when electron jump from a level of a orbit of a higher level to orbit of a lower level, it will give you energy in the form of bundles or packets called as photons. The energy, the h nu, which is hc by lambda and all that stuff which is there. वो सब अधूरा कहानी है. Actual कहानी क्या था? एक्चुअल कहानी ये था कि हमने जब उसको एनर्जी दिया तो ऊपर चढ़ गया, पूरा एटम अनस्टेबल हो गया. अरे हमको छोड़कर चला गया. अंडरस्टैंड? दे आर कॉल्ड बैक विद इन 10^-8 seconds. सॉरी वापस आओ. अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने जन हमारे? एक दो जन नहीं, हजारों लाखों करोड़ों ट्रिलियंस ने जंप किया ऊपर और फिर से दे जंप टूगेदर बैक. And when they jump from an electron orbit of a higher level to orbit of a lower level, they will give out that energy, and that energy lies in the visible region which we can see. 4,000 to 8,000 angstrom के बीच में अगर है तो हमको light दिखेगा. 8,000 है तो ये red light दिखेगा. 4,000 angstrom है तो yellow light दिखेगा. सब है तो white light दिखेगा. समझ में आ रही है बात आपको? ये सब चीज है जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं. okay, अभी तो बहुत दूर जाना है बेटा. इट्स जस्ट बेसिक नॉलेज व्हिच इज देयर. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? सो देयर आर थ्री ग्राफ्स व्हिच आर ऑन द बेस ऑफ दिस. आई एम डिस्कसिंग कॉल्ड अस थर्मिस्टर्स. थर्मिस्टर्स आर थर्मली सेंसिटिव रेजिस्टर्स. व्हाट आर दे? थर्मली सेंसिटिव रेजिस्टर. उसका सिंबल ये है भाई, इधर ध्यान दीजिए प्लीज. रेजिस्टर के ऊपर अगर डॉट लगा देंगे तो थर्मिस्टर बन जाए. थर्मिस्टर कहां पर यूज होता है? थर्मिस्टर्स आर थर्मली सेंसिटिव रेजिस्टर्स. मतलब क्या? मुझे बुखार है, मैं गया डॉक्टर के पास. डॉक्टर ने भाई मुझे दो थर्मामीटर आता ना, एक थर्मामीटर को ना मर्क्यूरी वाला, यू कीप इट इन अ माउथ, विल शो द टेम्परेचर. उसके पास डिजिटल थर्मामीटर था.
डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है, जैसे हम उसको बॉडी पर रखते हैं, इट विल कैच द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. व्हेन इट कैचेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, व्हेन इट टेम्परेचर विल राइज, ना भाई मुझे बुखार है ना, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा. जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे इसका रेजिस्टेंस घटेगा. एनटीसी है कि पीटीसी है, बोलो? अरे एनटीसी है कि पीटीसी है? एनटीसी है. एनटीसी और पीटीसी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एनटीसी है. अल्फा इज नेगेटिव, रेजिस्टेंस घटेगा. जैसे रेजिस्टेंस घटेगा करंट फ्लो होगा, एंड दैट करंट विल इंडिकेट माय बॉडी टेम्परेचर. दिस इज व्हाट हैपेंस इन योर क्लिनिकल डिजिटल थर्मामीटर. ओके, दिस करंट विल इंडिकेट द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर. एक्चुअली ये बता रहा करंट है, पर हमने ऊपर स्टिकर लगा दिया टेम्परेचर का. कैमोफ्लेज. Understand what's happening? Zero current मतलब body temperature. इसके ऊपर लगा दिया 37 degree Celsius. एक ampere current या 0.1 ampere current 39 degree Celsius. हाँ बुखार है आपको. Can you get what's happening? तो ऊपर camouflage करते हैं, अंदर current ही बताते हो. Actually बताना चाहिए ampere, ampere, milli ampere, micro ampere. But हमने ऊपर sticker लगा दिया और उसको calibration किसमें किया? टेम्परेचर. हमको पता ही नहीं रहता क्या हो रहा है. ऊपर तो स्टिकर टेम्परेचर का लगा हुआ है, अंदर कुछ दूसरा ही है. अंडरस्टूड व्हाट्स हैपनिंग? भाई स्पीडोमीटर में भी तो ऐसे ही होता है. स्पीडोमीटर में ऊपर क्या लगा होता है? किलोमीटर पर आर इतना किलोमीटर, अंदर करंट बताता है भाई. वो थोड़ी है, वो कहाँ है? उसके बाद मीटर है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, कहाँ कैलकुलेट करेगा भाई वो? इट इज शोइंग यू करंट, बट ऊपर स्टिकर हमने किलोमीटर पर आर का लगा दिया. हमको तो लगता है किलोमीटर पर आर है. कह रहे हैं यू आर कैमोफ्लेजिंग इट. और ऐसे बहुत सारे मीटर्स है फिजिक्स में जिसके ऊपर कैमोफ्लेज किया जाता है. हमको लगता है अंदर कुछ और ही होता है, बट दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट. भाई इतना आएगा तो इतना होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा. नो प्रॉब्लम विद दैट, डजंट मेक एनी डिफरेंस. दिस इज थर्मिस्टर्स. अच्छा सपोज मुझे इसको यूज करना है एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर. भाई क्या होता है कभी करंट स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर मतलब क्या? एक डिवाइस है, डिवाइस बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा ना तो जल सकता है. एक मशीन चल रही है फैक्ट्री में, चलते रहती है, चलते रहती है, चलती है, उसमें हीट जनरेट होगा ना भाई. हीट जनरेट होगा तो इट कैन कॉज वेयर एंड टेयर ऑफ द मशीनरी. तो हम क्या करते हैं उस डिवाइस को, जैसे वो ये लिमिट क्रॉस करेगा टेम्परेचर का, उसको बंद कर देना है. ऑटोमेटिकली बंद कर देना है. कैसे होगा? सपोज मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और रेजिस्टेंस बढ़ गया. एनटीसी पीटीसी? एनटीसी पीटीसी. आपको पता है और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे गर्मी बढ़ेगी मशीनरी में, आर बढ़ेगा. और जैसे आर बढ़ेगा करंट, करंट घट जाएगा और डिवाइस बंद हो जाएगा. अरे करंट बंद हो गया, करंट ही बंद हो गया डिवाइस में, तो डिवाइस क्या हो गया? बंद हो गया. जब वो गर्मी कूल करेगी तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो अपने आप डिवाइस शुरू हो जाएगा फिर से, ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ, ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ. ये कैसे पता चलता है? थर्मिस्टर से पता चलता है. याद है एसी आते हैं जो सेंस करते कि इतने लोग है तो ऐसे टेम्परेचर होना चाहिए, कम लोग है तो ठीक है, ज्यादा लोग है तो okay, they decrease the temperature. You see the ad on TV, man. Understood what's happening? 5 log hai to itna temperature, 10 log hai to itna temperature, 20 log hai to itna temperature. What is that inside? Inside is thermally sensitive resistors, which will indicate more current, less current according to the change in temperature. You understand what's happening? To thermistors ke paas एनटीसी भी हो सकता है, एनपीटीसी भी हो सकता है. दोनों की यूजेस अलग होते हैं. इट कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर, करंट स्टेबलाइजर. ओके, इट कैन बी यूज्ड एज अ थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर. आगे बढ़ते हैं हम लोग. वी आर डिस्कसिंग अ कंसेप्ट ओवर हियर कॉल्ड अ सुपर कंडक्टर्स. प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर नाउ. सुपर कंडक्टर्स,
हमको पता है कि कंडक्टर्स जो होते हैं उनका ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, ठीक है, जीरो पर बोलिए आर नॉट, ये बढ़ाएगा तो ऐसे बढ़ेगा, बट सपोज आई गो इनटू नेगेटिव रीजन, आई गो इनटू नेगेटिव रीजन ऐसे, तो क्या होगा, ये कम होता जाएगा, एंड एट वन मोमेंट इट विल टच दिस लाइन, मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा, जीरो, this phenomena at this moment is termed as superconductors, superconductivity, and this temperature is termed as critical temperature. Kya kehte hai beta isko? Critical temperature. At this temperature resistance becomes zero. Resistance zero hai to matlab koi collisions hoga hi nahi, to current ekdam aaram se pass ho sakta hai, electrons without any collisions can pass. Resistance kya karta hai, current ko ghatata hai na. से अगर रेजिस्टेंस होगा ही नहीं तो करंट एक बार मैंने डाल दिया वो डिवाइस में तो हमेशा के लिए चलता रहेगा भाई. अगर ये चीज मैं इधर, ओके, इफ आई थ्रो अ बॉल ऑन द ग्राउंड इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम ना. व्हाई, हु स्टॉप्ड हिम? फ्रिक्शन ने रोक दिया, रेजिस्टेंस ने रोक दिया. मगर वही बॉल अगर मैंने स्पेस में फेंक दिया तो क्या होगा, वो हमेशा के लिए चलता रहेगा, बिकॉज देयर इज वैक्यूम, देयर इज नो वन टू स्टॉप हिम. अगर ये चीज मैंने स्पेस में फेंक दिया तो ये हमेशा के लिए चलता रहेगा, क्यों, क्योंकि देयर इज नो रेजिस्टेंस टू स्टॉप. वैसे अगर ये चीज में रेजिस्टेंस ना हो तो करंट हमेशा के लिए परपेचुअली चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा. तो एक डिवाइस है मैंने शुरू कर दिया, वो शुरू ही तो रहेगा, बिल आने की जरूरत नहीं है हमको, बिल भरने की जरूरत नहीं है. यू कैन स्विच ऑन द एसी फॉर होल टाइम. अच्छा, हीट भी जनरेट नहीं हुआ उसमें, तो भाई व्हाट इज हीट का फॉर्मूला, इसको आरटी भाई आ रही नहीं है, तो आप टेंशन ना लोगे हीट जनरेट होगा वो जल जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा. वंस इट इज स्टार्टेड इट विल परपेचुअली कीप ऑन फ्लोइंग. तो हमको बिल भरने की भी जरूरत नहीं है ना, एक बार हमने करंट डाल दिया तो करंट है ही. Understand what's happening? There is no heat generation, there is no wastage of energy. हम जो बिल भरते हैं ना, सपोज हमारे घरों का बिल आता है 6,000, 7,000, 4,000, हजारों में बिल आता है. हम जो बिल भरते हैं उसमें हीट का भी अमाउंट रहता है. पावर प्लांट से एनर्जी आई हमारे घरों तक, कैसे आई, हाउ डिड इट कम टू माई हाउस, थ्रू द वायर्स ना, ओवरहेड वायर्स होते ना, 25,000 volt, 15,000 volt, क्या उसमें से हीट निकलती है कि नहीं निकलती है? और हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर, तो आर तो होगा तो हीट तो निकलेगी. हम उसका भी पैसा भरते हैं. सपोज वहां से 1,000 watt मेरे घर तक आया, मैं मेरे घर तक पहुंचेगा कितना माल में, खाली 300-700 हवा बन के उड़ गया, उसका भी पैसा मैंने भरा, आप लोग भी भरते हो. 300 पहुंचा, 300 से हम क्या करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, गीजर है, टोस्टर है, एसी है, ये है, टीवी है, फ्रिज है. अच्छा, जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो हीट बनता है कि नहीं बनता है, अडैप्टर गर्म हो जाता है, उसका भी पैसा आप भरते हो. 50% to 70% ऑफ द एनर्जी इज वेस्टेड एज हीट एनर्जी, यू आर पेइंग फॉर दैट. मतलब 4,000 या 5,000 रुपए में से आपने यूटिलाइज सिर्फ 500 रुपया किया है, बाकी का जो हीट बना है उसका पैसा आपने भरा. ओके, आई डोंट वांट टू से ऑन यूट्यूब, बट दिस इज द थिंग व्हाट इज हैपनिंग टू अस. आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स ओवर हियर. ओके, अंडरस्टैंड, दैट इज द थिंग. पर जब सुपर कंडक्टर्स बन जाएंगे बहुत अच्छा हो जाएगा. ओके, बट दैट शुड बी अलाउड. अंडरस्टैंड नाउ, तो बिल हमारा कम हो जाएगा, हीट हमारा कम हो जाएगा, एनर्जी यूटिलाइजेशन हमारा बढ़ जाएगा. ओके, हम जो फ्यूल वेस्ट करते हैं आज बहुत सारा, फ्यूल में भी यही कंसेप्ट है, एफिशिएंसी इज ओनली 20% बेटा. आप 1,000 रुपए का पेट्रोल भराते हैं ना गाड़ी में,
₹200 यूज होता है, बाकी का ₹800 धुआं बन के उड़ जाता है. दिस इज रियलिटी, रियलिटी. दिस लॉ ऑफ, लॉ ऑफ नेचर. आई वांट टू वॉश माय हैंड्स अंडर द बेसिन. क्या एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज यूज्ड इन वॉशिंग माय हैंड्स? नो. अरे भाई 100 ml इज यूज, बाकी का तो 1 liter आपने वेस्ट कर दिया. ये लॉ ऑफ नेचर है, वेस्ट होगा. सेम थिंग, बट इतना ज्यादा वेस्टेज होगा, ए पेन फॉर दैट. सो व्हेन दिस कंडीशन इज मेड, ओके, हाई स्पीड कंप्यूटर्स आ जाएंगे. क्योंकि भाई मैंने एक कमांड दिया प्रिंट आउट का, वो जाएगा कट 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 आवाज करेगा, फिर बाद में प्रिंट आउट निकालेगा. इसमें क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस है ही नहीं. इंस्टेंटेनियस द करंट विल गो एंड द प्रिंट आउट विल बी रिमूव. इंस्टेंटली योर मैसेज इज सेंड, मैसेज विल रीड. वेरी फास्ट, सुपर फास्ट कंप्यूटर्स. मुझे एक जगह से दूसरी जगह टन्स ऑफ सामान उठाना है, टन्स ऑफ मटेरियल उठाना है मेटल का, आई कैन जस्ट मेक अ मैग्नेट एंड लिफ्ट इट फ्रॉम वन प्लेस एंड कीप इट ओवर हियर विदाउट एनी लेबर नीडेड. यू गेट इट व्हाट्स हैपनिंग? और हम लोग बहुत हाई मैग्नेट बना सकते हैं. मैग्नेट कैसे बनाते हैं? एक सोलेनोइड लेते हैं, उसके ऊपर क्या वाउंड करते हैं? वायर. वायर को एक लिमिट के बिना हम लोग करंट नहीं पास करते, बिकॉज वो जल जाएगा. मगर यहां पर रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, तो ओके, तो जलने का कोई टेंशन ही नहीं है. तो हम लोग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, विच कैन लिफ्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेविटेशन ट्रेन्स में यूज होता है, बुलेट ट्रेन्स में. भाई एक नॉर्थ पोल है, यहां पर रेल्स है, यहां पर और एक ट्रेन है, हमने नॉर्थ बनाया, इसको भी नॉर्थ बनाया, हवा में उठ गया और उसको सुपर फास्ट हमने निकाल दिया. इट्स कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेविटेशन. दिस ऑल विल बी मे बी आफ्टर 25 years यू कैन मेक इट. ओके, जितना जल्दी हुआ उतना अच्छा हुआ. दिस व्हाट कॉल्ड एज सुपर कंडक्टिविटी, दिस फिनोमेना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. Now, we are discussing carbon resistance. भाई इधर बात सुना प्लीज. We are discussing carbon resistance. Carbon resistance. Okay. Carbon is abundantly found in nature. Carbon. Okay. Chemistry पूरा C से भरा हुआ है ना. CH3COH. कार्बन रेजिस्टेंस. कार्बन इज अबंडेंटली फाउंड इन नेचर, देयरफॉर जो रेजिस्टेंस हम बनाएंगे वो कार्बन से बनाएंगे यहां पर. ओके, कार्बन रेजिस्टेंस बनते कैसे है? हम लोग एक सिलेंडर बनाते हैं ऐसे, तो बहुत बड़ा बना दिया मैंने. जनरली इट इज वेरी स्मॉल, लाइक अ मैचस्टिक. मैचस्टिक देखा है? मैचस्टिक, मैचस्टिक के शेप में होता है, बहुत पतला होता है और बहुत छोटा सी भी होता है. इसके ऊपर हम लोग कलर्स बनाते हैं ऐसे, कलर स्ट्राइप्स बनाते हैं ऐसे, एक कलर, दूसरा कलर, थर्ड कलर एंड फोर्थ कलर. द फर्स्ट कलर विल इंडिकेट द फर्स्ट डिजिट, सेकंड विल इंडिकेट सेकंड डिजिट, थर्ड विल इंडिकेट मल्टीप्लायर एंड फोर्थ विल इंडिकेट टॉलरेंस. क्या कहते हैं बेटा? टॉलरेंस. मैं बता दो क्या है. अच्छा ये सर, ये क्या है ये सर? भाई दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, ये रेजिस्टर्स पहचान लिए जाएंगे. फर्स्ट दे थॉट ऑफ राइटिंग द नेम्स, आर 20 ohms, 30 ohms, 320 ohms, 420 ohms, दिस ohms. मगर सबको तो इंग्लिश आती नहीं है. यू गो टू जर्मन, यू गो टू फ्रेंच, उधर ओके, दे डोंट यूज. तो उन्होंने क्या बोला? बोले भाई हम लोग आए ना यहां पर है ना, कलर टाइप्स बनाएंगे, ताकि कलर को सब लोग पहचान सकते हैं. इस कलर से एक कोड बनाएंगे और वो कोड से यू कैन रिमूव द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर. आई एम डिस्कसिंग अ कलर कोड ओवर हियर, और हम एक दो तीन न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज अ कलर कोड. सो कलर कोड क्या कहते हैं? कलर कोड होता है डिजिट, मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस.
ध्यान देना बेटा. कलर कोड इज ओके. ये सो हाउ टू रिमेंबर. सब लोग पहले ध्यान दीजिए. देखिए मैंने सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखा है सब कलर का. बीबी रॉय, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, हैड अ वेरी गुड वाइफ who wore gold and silver necklace, who wore gold and silver necklace. ये याद रखना है हमको. BB Roy of Great Britain had a very good wife who wore gold and silver necklace. Now always remember what are the colors now. ये तो just to remember. You start from the dark color, black. Yellow. परफेक्ट. ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट. देखो डार्क टू व्हाइट हो गया. गोल्ड सिल्वर नो कलर. नो कलर मतलब यहां पर कुछ पट्टी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा. नो कलर. यू गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग. बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ और गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस. नाउ डिजिट हमको शुरू करना है जीरो से, वन से नहीं शुरू करना है. जीरो व्हाइट पर नाइन आके खत्म हो जाएगा. ब्लैक इज जीरो, व्हाइट इज नाइन. मल्टीप्लायर विल बी टेन रेस टू जीरो, दैट इज वन. टेन रेस टू वन, टेन रेस टू टू, टेन रेस टू थ्री, टेन फोर, टेन रेस टू फाइव, टेन रेस टू सिक्स, टेन रेस टू सेवन, टेन रेस टू एट, टेन रेस टू नाइन, टेन रेस टू माइनस वन, टेन रेस टू माइनस टू. बस इतना. टॉलरेंस लास्ट तीन का है. गोल्ड के लिए इट इज प्लस माइनस 5%, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10% एंड नो कलर के लिए प्लस माइनस 20%. ये रूल है. ये कोड हमको याद रखना है. बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस. जीरो से शुरू करके नाइन पर आना है. टेन रेस टू रहेगा और ये फाइव टेन फिफ्ट 20 रहेगा. क्लियर है? ओके. Now suppose I take some colors, please. Yeah, pass it down. Okay, just I'll take a question based on this. Idhar dhyan dijiye book mein. It's okay. Just pay attention over here. Suppose I take color code as yellow, violet, black and silver. Ye aapko diya hua hai. Pucha bhai iska resistance nikalo. मतलब आपने जब ये रेजिस्टेंस देखा तो इसका पहला कलर जो था वो येलो था, येलो स्ट्राइप था. वायलेट ब्लैक और सिल्वर स्ट्राइप्स थे ऐसे. येलो पहला वाला नंबर जो है इट इंडिकेट डिजिट. फर्स्ट डिजिट ऑफ येलो, येलो का डिजिट कितना है? चार. वायलेट इज सेकेंड डिजिट, सेवन. ब्लैक जीरो नहीं लेना है बेटा, मल्टीप्लायर लेना है उसका. थर्ड मल्टीप्लायर कितना है? टेन इज टू जीरो. एंड सिल्वर इज प्लस माइनस 10%. अभी बेटा इसको लिखना कैसे है? फर्स्ट और सेकंड डिजिट कंबाइन कर देना है. सो आर का वैल्यू रहेगा 47. मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करना है प्लस माइनस 10%. समझ में आई? व्हाट इज टेन इज टू जीरो? One. So can I say R is 47 into 1 is 47 plus minus 10% of 47 is what? What's the value of R? समझ में आई बात? ऊपर नीचे हो सकता है. एरर तो हमने पढ़ा है ना फर्स्ट. ओके, एरर तो होता ही है. क्लियर हो गया? तो या तो ये ऊपर होगा या तो नीचे होगा, क्योंकि ये मिट्टी है ना. कार्बन क्या होता है? ओके, तो उसमें तो एरर होगा ही ना. अभी सब जरूरी नहीं है ऑल द मड्स आर ऑफ सेम कलर एंड सेम थिंग. गेटिंग इट? सपोज आई गिव यू अनदर एग्जांपल. ग्रीन,
blue, red, golden. भाई चलो बताइए. Green कितना है? 5. Blue कितना है? 6. एकदम हाई सा. Red? 10 to 2. Golden? Plus, golden is plus minus 5% बेटा. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5600. भाई resistance का value कितना रहेगा? 56 into 10 raised to 2 plus minus 5% of this whole number. ये 5600 है. उसका 10% होगा 560. उसका 5% कितना होगा? 280. समझ में आई बात? भाई इसका 10% होगा 560 ना, उसको और आधा कर दो, 5% हो गया. आता है कि नहीं मैथ्स? ओके, सो 5600 प्लस माइनस 280 ओम्स इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? द रेजिस्टर. सो फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट मल्टीप्लाई टॉलरेंस. समझ में आई बात? इन द क्वेश्चन इफ दे आस्क यू दे गिव यू कलर कोड यू कैन फाइंड. कभी कभी रिवर्स भी देते हैं, कभी कभी आंसर देते हैं और पूछते कौन सा कलर है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. पहला वाला विल इंडिकेट फर्स्ट डिजिट. डिजिट ये कहां से देखना है? मल्टीप्लायर में. और ये कहां देखना है? टॉलरेंस में. यू कैन फाइंड. डिड यू अंडरस्टैंड?